Hello everyone, this is Deepika and welcome back to my channel. First of all, I would like to wish you and your family happy Diwali. हो सकता है मैं ये वीडियो दिवाली के बाद ही अपलोड करूं, फिर भी मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूं. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. इस दिवाली मैंने सोचा है कि अपने किचन से ये नॉन स्टिक बर्तन को हटा के इसके जगह पे कुछ अच्छा यूज करूँ जो हम लोगों के हेल्थ के लिए फायदेमंद हो. तो देख सकते हैं आप कि नॉन स्टिक बर्तन नए में तो अच्छे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली खाना बनाते बनाते इसका जो नॉन स्टिक कोटिंग होता है वो निकलने लगता है और हम लोगों के खाना के साथ मिक्स हो जाता है, जो हम लोगों के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है. आप देख सकते हैं इसके साथ मेरा ये एक डोसा पैन है, इसके साइड में पूरा ग्रीस जमा हुआ है. मैं जब डोसा बनाती हूँ तो इसका नॉनस्टिक इतनी ही रेडियस में काम करती है, क्योंकि इधर पूरा ग्रीस जमा हुआ है और कोटिंग भी निकले हुए हैं. तो मैंने सोचा है कि ये नॉनस्टिक बर्तन को हटा के मैं लोहे का बर्तन यूज़ करूँ. तो क्यों नहीं इस दिवाली से हम लोग एक अच्छा शुरुआत करें और अपने किचन में जो भी नॉनस्टिक और अल्मोनियम का बर्तन है उसको हटाए और लोहे और स्टील का बर्तन यूज़ करें. मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि लोकल मार्केट में जाके लोहे की बर्तन देखूं, क्योंकि अमेज़ोन में लोहे के बर्तन काफ़ी महंगे हैं, लेकिन मुझे लोकल मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. तो मैंने अमेज़ोन में सर्च किया, मुझे पैन का और कढ़ाई का एक अच्छी डील मिली है. नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्सिंग इट एंड शो यू हाउ इट इज़. इसको अमेज़ोन के ऐसे पैकेट में भेजे गए हैं और अंदर में न्यूज़पेपर से रैप किया गया है. इसको काफ़ी थिक न्यूज़पेपर के लेयर में रैप किया गया है. उसके बाद एक दूसरा थिक लेयर ऑफ न्यूज़पेपर. ये कढ़ाई काफ़ी क्यूट लगी मुझे. इसके जो हैंडल्स हैं ये गोल्डन कलर के हैं और नीचे एक बाउल है जो लोहे की बनी हुई है. इसमें 4-5 लोगों का खाना आराम से बन सकता है. आई थिंक ये 500 ml का क्वांटिटी होल्ड कर सकता है. ये मुझे काफ़ी पसंद आई, मैं ये डेली यूज़ कर सकती हूँ सब्जी भाजी बनाने के लिए, और कुछ फ्राई करना होगा डीप फ्राई तो भी मैं इसमें कर सकती हूँ. देखते हैं डोसा तवा. ये काफ़ी हेवी है, इसको ऐसे हार्ड बॉक्स में पैक करके भेजे गए हैं. सो इट इज़ वेरी हैवी गाइस, इट इज़ वेरी हैवी. ओके, डोसा तवा को इसमें रैप किया गया था. इट इज़ काइंड ऑफ फॉर्मी पेपर, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं. ये रहा मेरा यूनिक डिज़ाइन का तवा, स्क्वायर शेप. इट्स क्वाइट हैवी, आई थिंक इसका वेट अराउंड 1 or 1.5 kg होगा. ये कम्प्लीटली स्क्वायर शेप में है और इसके साथ एक लोहे का हैंडल अटैच किया गया है. ये गर्म होने के बाद तो मुझे लगता है शायद हैंडल भी गर्म होगा, तो हम लोग इसको हैंडल करने में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. इसमें मैं छोटे छोटे 4 फुलके एक साथ बना सकती हूँ और लार्ज साइज का क्रिस्प डोसा भी बना सकती हूँ और फिश तवा फ्राई भी बना सकती हूँ. वी हैव सो मैनी ऑप्शंस. मुझे ये भी काफ़ी पसंद आई. ये हेवी है लेकिन उतना भी हेवी नहीं है कि हम लोग डेली यूज़ नहीं कर सकते. इसमें हैंडल का जो तरीका है उसी से पता चलता है कि फ्रंट और बैक के बारे में, वरना आगे पीछे दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं. इट इज़ फ्लैट स्क्वायर तवा. आई एम क्वाइट हैप्पी दैट आई एम डिस्कार्डिंग माई नॉन स्टिक यूटेंसिल्स एंड आई परचेज दीज आइटम्स. तो इसमें एक और काम बाकी है, जब भी लोहे का बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको सीजनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें रस्ट ना लगे. सो लेट्स गो इनटू माय किचन एंड डू द सीजनिंग.
ओके, तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ फर्स्ट स्टेप। इसमें मैं तवे को आगे पीछे अच्छे से स्क्रब करूँगी। एज पर द सेलर हम लोगों को इस तवे में डायरेक्ट सोप नहीं यूज़ करना है, इसीलिए मैं सोप को डाइल्यूट करके इस पर यूज़ कर रही हूँ। इसको दोनों तरफ अच्छे से स्क्रब करके वॉश करके मैं दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ूँगी। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। इसमें हम लोगों को तवे को गैस पे रखना है और इसमें चारों तरफ नमक को फैला के जब तक नमक ब्राउन ना हो जाए तब तक तवे को गर्म करना है। अब नमक काफ़ी गर्म हो चुका है और इसका कलर भी ब्राउन हो गया है। थोड़ा देर स्टोव को बंद करके ऐसे ही रहने देते हैं जब तक ये ठंडा ना हो जाए। उसके बाद मैं थर्ड स्टेप शुरू करूँगी। ओके, तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ थर्ड स्टेप। तवा अभी काफ़ी ठंडा हो गया है, अब इसमें मैं ऑयल कोटिंग करूँगी। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं इसके लिए। थोड़ा सा ऑयल को इसके ऊपर डालिए और एक टिश्यू पेपर की सहायता से पूरे तवे पे ऑयल को स्प्रेड करिए, आगे पीछे और हैंडल सभी जगह पे। तवे को ऐसे ऑयल से कोट करने से इसमें रस्ट लगने का डर कम रहता है। अब ये तवा रोटी और क्रिस्प डोसा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने किचन से नॉनस्टिक और अल्मोनियम का बर्तन हटाएं और उसके जगह पे एक बेटर ऑप्शन चूज करें। देयर इज नथिंग प्रीशियस देन हेल्थ। आज जो मैंने बर्तन लिए उसमें कैसा खाना बनता है उसके बारे में मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी दिवाली।